अच्छा, तो आपने वहां पे ऑडिशन क्यों नहीं दिया? एक्चुअली मैंने बधाई का भी छोड़ना है, काफी टाइम से बधाई पर फोन करा है, तो मैंने आपका देखा था इस सॉन्ग पर, सोचा मैं भी करता हूँ इस सॉन्ग पर टेक कर, कल रात मैंने सॉन्ग बनाया बस अभी सुन मुझे पर। तो वहाँ पे आपने क्यों नहीं किया वैसे कोई रीजन? बड़े बस नहीं करता, दिल लग गया वहाँ से रहते बधाई हुए, दिल लग गया बरेली में। अच्छा तो भाई तुम्हारा होना तो बहुत जरूरी है दोस्तों के बीच में। सारे तुम्हारे पीछे घूमते रहते होंगे फिर? ऐसा भी नहीं है। नहीं होता है, हम खुद बात करें हमारे बीच में जिनका गाना रिलीज होने वाला है, देखो वहां पे लिखा है ना लिलियलो एशमोन हनी सिंह का फैन रैपर एंड लिरिक्स, ठीक है, इनका सॉन्ग रिलीज होने वाला है फाइनल में, अगर आप जाते हो तो आपको पता लगेगा। तो ये ना एडिटिंग वगैरह करते हैं, मैं तो इनके पीछे भाग कर रहता हूँ। ऐशमो सर एक्चुअली दिल्ली में बिरला सेंटर है, वहाँ पे वंटी सर, वंटी कुमार, पैम माडिंगरा, उनकी मोस्टली सॉन्ग मैंने बनाए हैं, उन्हें बहुत पसंद आते हैं मेरे सॉन्ग। वो मैं बट अर्बन करते हैं, बट नेक्स्ट राउंड में अर्बन ही करूँगा पूरा। अच्छा, मेरे को अच्छा ये लगा आपका सॉन्ग रुक गया यहाँ पे, वो कोई बात नहीं, चलो लाइट भाग गई कोई बात नहीं। उसके बाद जो आपने यहाँ से फ्लिप मार के स्टार्ट किया ना हाई उम्मीद में के लिए बिल्कुल या फाड़ूंगा भाई, वो चीज बहुत अच्छी थी आपकी। और आपने तीन चार चीजें किस कौन कौन से डांस आई पहले बताओ? इससे पहले लिरिकल भी नहीं, थोड़ी भी बनी इसकी, थोड़ा लिरिकल पे लेके फॉर्म भी की है, और थोड़ा चरण की थोड़ी कोशिश भी की है। कोशिश की? हाँ, आपने लिरिकल की भी कोशिश हुई इसमें की? कोशिश तो मैंने सारी फॉर्म से की है, क्योंकि जितना सीख लो उतना कम होता है। सही बात, मैं पूरा कर नहीं सकता बेसिक, मतलब फोटे क्या है आपका वैसे फील लिरिकल है, चरण है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा अर्बन में, अर्बन को लिरिकल मिस कर सकता हूँ।